मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय में लगातार तीसरे दिन भी विस्थापित परिवार का आमरण अनशन जारी रहा और वे लोग लगातार जिले के आला अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं समाज सेवी वीरेंद्र सहानी ने कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम सभी 26 तारीख को उसी बूढ़ी गंडक में जाकर जल समाधि लेंगे। हालांकि इस आमरण अनशन के बीच मोतीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार और जिला अंचलाधिकारी ने उन लोगों की सुध ली। वहीं मामले की पूरी जानकारी मोतीपुर से रफ्तार मीडिया के संवाददाता शिवा सिंह ने ली। देखिए, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे औरतें, छोटे छोटे बच्चे, तमाम तीन दिनों से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक ऊपर से आदेश नहीं आया है, जिसको वजह से ये लोग काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठंडा की मौसम है, लगातार कई दिनों से परेशान हैं, जहाँ पे ये लोग का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को ये लोग गंडक नदी में जल समाधि ले लेंगे। अब साफ साफ तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह के ये लोग का तीसरा दिन का भूख हड़ताल है। लगातार तीन दिनों से ये लोग ठंडी में ये कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी से अभी तक ये लोग का कोई दिशा निर्देश या कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब साफ साफ तस्वीर में देख सकते हैं जी। बताया जाए, आपके मामले को सीओ साहब संज्ञान में लिए हैं क्या? जी, सीओ साहब आए थे और सीओ साहब आग्रह किया कि आप लोग अपना भूख हड़ताल समाप्त कर लीजिए। हम बोले कि ऐसा कैसे होगा सीओ साहब, 1975 से जो विस्थापित परिवार है उनके पूर्वज यानी हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे पिताजी लड़ाई लड़ते लड़ते मर चुके, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, आज अंतिम समय आ चुका है। 5-7-10 दिन में हम लोग का सियाना जो है, घर जो है वो समाप्त होने वाला है, वो टूट जाने वाला है ना। जल समाधि लेने की भी आप लोग ये सब कर रहे हैं कि 26 जनवरी को, क्या इसमें क्या संचालन है? जी, तो सीओ साहब को हमने यही बोला कि पहले आप अपने, वो बोले कि हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम बोले कि आप तो जिला को सूचना दे सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि कल से, आज से ही बोले, लेकिन आज समय समाप्त हो चुका है, कल से जा करके वहाँ पर वो सर्वे कराएंगे और मापी कराएंगे कितने विस्थापित परिवार का घर टूटने वाला है, और उसका रिपोर्ट कल के ही दिन में वो जिलाधिकारी को भेजेंगे जिला में। अगर 26 तारीख से पहले, अगर 26 तारीख से पहले हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम जितने अनशनकारी हैं वो 26 तारीख के दिन ही 4 बजे जिस बूढ़ी गंडक ने मेरे घर को काट के आज विस्थापित किया है, उसी बूढ़ी गंडक में हम लोग जल समाधि लेंगे। क्या क्या मांगे परिवार होंगे? ये लगभग 250 परिवार है। फिलहाल हमने प्रशासन को कहा है कि भाई आप अपने स्तर से उसकी जांच करा ले कितने परिवार है, और हमारी मांग है या तो जो जहां बसा है उसका बास्किट पर्चा निर्गत करे सरकार, या अगर उसको हटा ही देना है तो आपके पास बहुत सारा जमीन है आज के डेट पे, और किसी एक प्लॉट में घर बना करके और उसको पुनर्वास करवाइए।